स्विमिंग यही है कि वेस्ट की जो तेजखंड के जो केस में 15 करोड़ वो बोर्ड और उसके मृत से भाग में जो बोर्ड बना हुआ है वो बच्चा सत्यापित करके देखेगा, खुद करे अपने हाथ में लेगा और अपने आप में देखेगा कि यहाँ जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ अपना वो जाना रखेगा और देख लेगा कि यहाँ हाँ ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। साथ में बच्चा ये भी देखेगा कि जब नहीं है वो एक ही जगह बना हुआ है, यहाँ यहाँ सत्यापित किया, यहाँ किया, यहाँ किया, फिर यहाँ किया, अलग अलग जगह डायरेक्शन पे भी वो देखेगा कि हर जगह ऐसा हो रहा है, ऐसा तो नहीं एक ही जगह हो रहा है। साथ साथ इस चीज़ को वो और भी देखेगा कि अगर हम एक अधिवृत्त पे बनेगा तो ये हमारा केप पे 180 डिग्री का बन रहा है इस चाप के द्वारा, इसके सीधे वृत्त के सीधे भाग में कितने डिग्री का कोण बनेगा तो ये देखेगा बच्चा कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बच्चा हर तरह से सत्यापित करके देगा, ये किसी भी क्लास के लिए भी यूज़ हो सकता है, चाहे आप 7वें करें, अगर किसी को आप 8वें करना चाहें तो अलग अलग प्रमेय को इसको सत्यापित कर लीजिए। टेंजेंट जो होते हैं इसको बोल लीजिए, टेंजेंट जो होंगे अलग अलग आपके यहाँ जो होगा ये टेंजेंट जो होंगे तो यहाँ से कितनी दूरी दोनों की समान होगी, ये भी डिस्टेंस समान होगी और ये भी होगी। इसको आप चाहे वृत्त का त्रिज्याखंड बताना हो, चाहे वृत्तखंड बताना हो, चाहे त्रिज्या बतानी हो, चाहे उसकी व्यास बतानी हो, किसी भी तरह से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। हर क्लास पर्पज से मल्टीपर्पज यूज हो जाता है हर क्लास।